सुस्वागतम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। विषय हिंदी। आज हम सीखेंगे ओ और औ की मात्रा वाले शब्द, पेज नंबर 14। सर्वप्रथम हम ओ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। तो बच्चों बताइए ये चित्र कौन सा है। शाबाश, ओखली। ओ से ओखली। ओखली का इस्तेमाल हम औषधि वनस्पति क्या मसाले बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ओखली को अंग्रेजी में मोटार कहते हैं। अब ये चित्र कौन सा है पहचानिए बच्चों। शाबाश, मोर। ओ से मोर। मोर यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को अंग्रेजी में पिकॉक कहते हैं। इसी प्रकार हम अगला चित्र देखते हैं। ये चित्र कौन सा है बच्चों। शाबाश, तोता। ओ से तोता। तोते को अंग्रेजी में पैरोट कहते हैं। अब ये चित्र पहचानिए बच्चों। ये चित्र कौन सा है। शाबाश, ढोलक। ओ से ढोलक। ढोलक यह है संगीतमय वाद्य है। ढोलक को अंग्रेजी में ढोलक ही कहते हैं। इसी प्रकार अगला चित्र कौन सा है पहचानिए बच्चों। बोतल। शाबाश, बोतल। यह हम हमारे घर पे सभी इस्तेमाल करते हैं। बोतल को अंग्रेजी में बॉटल कहते हैं। अब हम बच्चों औ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। यह चित्र कौन सा है पहचानिए। शाबाश, कौवा। औ से कौवा। कौवा यह एक पक्षी है जो हम सब जानते हैं। कौवे को अंग्रेजी में क्रॉक कहते हैं। आपने तो इसकी कहानियाँ सुनी होगी ट्रस्टी को। इसी प्रकार अगला चित्र कौन सा है पहचानिए बच्चों। शाबाश, औरत। औ से औरत। औरत को अंग्रेजी में यूमेन कहते हैं। अगला चित्र कौन सा है पहचानिए बच्चों। पौधा। औ से पौधा। पौधा यह हमारे सबके घरों में लगता है। पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलता है और सुंदर फूलों की महक रहती है। औषधि वनस्पति भी पौधे के रूप में, तुलसी के रूप में हमारे घर में होती है। पौधे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। शाबाश, प्लांट। इसी प्रकार बच्चों यह अंतिम चित्र कौन सा है। शाबाश, नौका। औ से नौका। हम सभी जानते हैं कि नौका की सैर करना कितना मज़ेदार होता है और नौका को अंग्रेजी में फेरी कहते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखा। ओ से ओखली। ओ से मोर। ओ से तोता। ओ से बोतल। ओ से ढोलक। ओखली को अंग्रेजी में मोर्टार कहते हैं। मोर को पिकॉक, तोता को पैरोट, बोतल को बॉटल और ढोलक को ढोलक। इसी तरह बच्चों हमने औ की मात्रा में क्या क्या देखा। औरत, कौवा, पौधा, नौका। औरत को अंग्रेजी में वुमेन कहते हैं। कौवे को क्रॉ कहते हैं। पौधा को प्लांट कहते हैं। नौका को फेरी कहते हैं। शाबाश बच्चों, इसी तरह आपको अपने नोटबुक में ओ और औ की मात्रा का सराव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका अभ्यास करना है। आप अपने घर में सुरक्षित रहिए। अच्छा बच्चों, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।